हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जो कोलंबो ने, मतलब श्रीलंका ने चाइना की एक कहते हैं मिसाइल ट्रैकिंग शिप को अपने हम्बनटोटा जो उसका बंदरगाह है उस पर आने की अनुमति प्रदान कर दी है। देखिए, ये एक ट्रैकर जहाज है, मतलब ट्रैकिंग शिप है जो मिसाइल ट्रैकिंग या फिर स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग, कोई भी एयर जो भी हवा में हलचल होती है उसे ट्रैकिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए, इससे इस पर भारत ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए, पहली बात यह है कि व्हाट इज युआंग क्लास 5 शिप। देखिए, जो युआंग क्लास 5 शिप है वो युआंग क्लास की जो 6 शिप है उनमें से एक शिप है। ये जो है विशेष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, मतलब रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो है खुफिया कार्यों के लिए भी चीन द्वारा किया जाता है। देखिए, जो भारतीय नौसेना ने उसने हाल ही में अपनी आपत्ति दर्ज की है श्रीलंका को, क्योंकि उसने जो है हम्बनटोटा का जो बंदरगाह है उसे उस पर चीन के इस जो खुफिया जहाज है इसको आने की अनुमति प्रदान कर दी है। और इसके साथ साथ जो है Type 071 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक आ रहा है जो अपने साथ ढेर सारे जो बख्तरबंद गाड़ियाँ ले जा सकता है, टैंक ले जा सकता है और सैनिक भी ले जा सकता है। उसके साथ साथ एक जो है एक लिवांग क्लास के जो है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी आ रहा है। देखिए, ये सभी जो है ना अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट जिबूती में जो चाइना अपना बेस निर्माण किया है वहाँ पे वो डिप्लॉय करेगा। तो जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे, ये उन्होंने 2017 में जो है समझौता किया था हम्बनटोटा बंदरगाह पर कि वो इसे 99 साल के लिए पट्टे पर चीन को दे रहे हैं। देखिए, वो श्रीलंका पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो चाइना की डेब्ट ट्रैप में बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। उसकी एक तो वो बहुत हाई दाम पे जो है ब्याज देता था, इसी वजह से ये उसके पॉलिसी में उलझ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो अपनी इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है। और कि ये बताया जाता है कि कोलंबो में बीजिंग के दूत द्वारा विक्रम सिंघे शासन के साथ अपना रास्ता बनाने के बाद श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह में चीनी जहाज के प्रवेश की अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। जी हाँ, उन्हें उन पर इतना दबाव डाला गया क्योंकि वो चाइना इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि वो इस अनुमति से देने से इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे उनके जो है चाइना और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा ऋणी है। तो ये देखिए, युआंग वांग 5 क्लास जो शिप है वो देखिए कैसा है। इस पर ढेर सारे देखिए रडार्स लगे हुए हैं, जैमर्स लगे हुए हैं। ये एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, स्पेस शिप ट्रैकिंग भी कर सकता है, कोई भी हवाई जहाज जा रहा है उसे भी ट्रैक कर सकता है। ये ICBM को भी ट्रैक करने की क्षमता रखता है और ऐसा कहा जाता है कि इसका रडार जो है वो 750 किलोमीटर दूर से भी ट्रैकिंग कर सकता है। तो जब ये श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आएगा तो कहीं ना कहीं ये भारतीय नौसेना के जो शिप हिंद महासागर में तैनात हैं उनकी भी निगरानी कर सकता है। इसीलिए भारतीय नौसेना जो है बहुत ज़्यादा चौकन्नी है। तो जो ये Type 071 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक LPD है इसके साथ, देखिए वो, और जो एक लिवांग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो भी इसके साथ इसकी सुरक्षा के लिए हैं। देखिए, जो भारतीय नौसेना द्वारा सैन्य निगरानी जहाज की डॉकिंग पर आपत्ति जताने के बावजूद 2 अगस्त को श्रीलंकाई कैबिनेट के प्रवक्ता ने यह कहते हुए एक बयान दिया कि रणनीतिक निगरानी जहाज केवल ईंधन भरने और जो है सप्लाई लेने के लिए आ रहा है, जैसे कि भोजन होता है। जब कोई भी जहाज अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश, मतलब यात्रा करता है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर होता है, तो उसमें जब ईंधन की कमी होती है या जो खाद्य सामग्री रसद आपूर्ति होती है उसकी कमी होती है तो वो किसी बंदरगाह पर रुक कर अपना ईंधन जो है टेक करता है। तो यही जो वहाँ की एक प्रवक्ता है श्रीलंका की, उन्होंने इस बात को बताया कि वो सिर्फ जो है ईंधन और सप्लाई लेने के लिए आ रहा है। जबकि हम्बनटोटा में चीनी जहाज के प्रवेश को सही ठहराने के लिए कोलंबो द्वारा इस्तेमाल किए गए जो राजनयिक हैं उन्होंने भी अपना तथ्य दिया है। उनका ये मानना कि श्रीलंका पर अपने विदेशी ऋण का 10% से अधिक बकाया है क्योंकि उसने चीनी एग्जिम बैंक जो है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उससे उच्च दरों पर इन्होंने जो व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट था इनका, जिसमें हम्बनटोटा बंदरगाह था और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उन दोनों को विकास करने के लिए इन्होंने लिया था। इन्होंने सोचा था जो है कि
जब ये बंदरगाह होगा तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ें रुकेंगी, इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा ये भी हिंद महासागर के एक ऐसे स्थान पर है जैसे कि साउथ अमेरिका साउथ अफ्रीका में जो है केप ऑफ होप था, उसी प्रकार से इन्होंने सोचा था कि ये जो है श्रीलंका के डेवलपमेंट में भागीदार होगा, लेकिन ये प्लान उनका फेल्ड हो गया। तो जो हम्बनटोटा बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट था, तो श्रीलंका कहीं ना कहीं चीन को जो है नाराज़ तो करने का जोखिम उठाएगा नहीं, क्योंकि तो वो जानता है कि देखिए जो इन्होंने गड़बड़ी की थी वो ये है ना कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव में जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे ये दोनों लोग, और दोनों लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद क्या हुई है। भारत ने अपनी ओर से श्रीलंका के इस कदम पर कोई भी दया नहीं की है, क्योंकि कोई भी सैन्य जहाज जो कि मतलब जो BRI प्रोजेक्ट था चाइना का, उसमें जो मैप बनाया था उसने जो मतलब रास्ते बनाए गए थे समुद्री जहाज़ों के लिए, उसके साथ साथ वो उसमें दिखाया गया था कि जो है कहीं कहीं जो है चीनी सैन्य मतलब सैन्य विमान सैन्य जहाज जो है नेवी शिप्स वो तैनात रहेंगी। तो भारत इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि वो कहीं ना कहीं अपने इन जो प्लान है वो धीरे धीरे वो संचालित कर रहा है। इसी के साथ भारत ने जो है जो श्रीलंका के साथ उसने ईंधन रसोई गैस आदि आपूर्ति करने के लिए भी कह रहा था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत से मना भी कर सकता है श्रीलंका को। अब जो है युआंग वांग क्लास शिप क्या है, देखिए युआंग वांग क्लास शिप जो है ना ये जो है ट्रैकिंग एंड सपोर्ट ऑफ सैटेलाइट्स एंड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ ये जो है मिसाइल्स और जो ICBM है ना लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स और सैटेलाइट जो स्पेस में रॉकेट द्वारा भेजे जाते हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ये जो है पीपल लिबरेशन आर्मी के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स द्वारा जो है इसे संचालित किया जाता है, और यह एक अपने आप में एक ही डिजाइन नहीं है, इसके तक जी 6 डिजाइन है जिनमें से जो है एक को जो है वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, मतलब एक को जो है पुराना हो चुका था काफ़ी, तो उसने जो है टारगेट पे यूज कर लिया था, उसे परीक्षण के लिए यूज किया था। देखिए जो चीन का जो एक स्पेस सिप प्रोग्राम है मतलब स्पेस प्रोग्राम है सेंजाओ स्पेस क्राफ्ट, उसका स्पेस क्राफ्ट जो है सेंजाओ उसके फ्लाइट्स को जब वो ट्रैक करता है जब वो लॉन्च करता है उसे, तो उसे ट्रैक करने के लिए उसने 4 जो युआन वांग क्लास की जो सिप थी उन्हें तैनात किया हुआ था। जो युआंग वांग 1 सिप था इसे उसने येलो सागर में तैनात किया था, युआंग वांग 2 जो सिप था वो तकरीबन 1500 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ फ्रेंच पॉलिनीसिया जो फ्रेंच पॉलिनेशिया आइलैंड है उसके पास तैनात किया था, और जो युआंग वांग 3 है ये नामीबियन कोस्ट पर उसने तैनात किया था, और युआंग वांग 4 जो ये जो है वो उसने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो हिंद महासागर में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास तैनात किया हुआ था। तो देखिए इस सीरीज की जो मिसाइल मतलब सिप हैं वो जो है ट्रैकिंग के लिए ही काम आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो डिस्ट्रॉयर और एक जो लैंडिंग क्राफ्ट लैंडिंग डॉक घूम रहा है वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि ये अपने किसी साधारण मिशन के लिए तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ जासूसी करके तो जाएगा ही। और इस समय जो है US और US चाइना का जो है क्लैश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ताइवान के कारण, चाइना जो है बार बार ताइवान पर अटैक करने की धमकी दे रहा है, ड्रिल कर रहा है, तो अमेरिका ने अभी जो है उस वहाँ पे USS रोनाल्ड रीगन को तैनात कर दिया है, इससे पहले वहाँ उस क्षेत्र में जो है US के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो सकते हैं। चलिए तो धीरे धीरे हम बात करेंगे जो अन्य न्यूज आएगी इसके लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।